5 जून विश्व पर्यावरण दिवस पर नागझिरी से डिजियाना न्यूज की विशेष प्रस्तुति। 5 जून को प्रतिवर्ष दुनिया भर में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वास्तव में एक दिन इसलिए तय किया जाता है कि उस दिन हम उस विषय पर गंभीरता से चिंतन मनन कर सकें। आज के दौर में ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणाम दिखने लगे हैं। बेतहसा गर्मी, बेमौसम बारिश और जैसे अब सब कुछ बदलने लगा है। भीषण गर्मी से प्राणियों का जीवन खतरे में दिखाई देने लगा है। साल दर साल बढ़ते तापमान से केवल हमें बचा सकते हैं तो हैं पेड़ पौधे और जल संरक्षण। आइए हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाते हैं जो कागजी खानापूर्ति से, जिनकी मेहनत और लगन से पौधे अब पेड़ बन चुके हैं। आज हम आपको नागझिरी के बड़गांव रोड पर लगे बंबू प्लांटेशन और यहां सफलता की कहानी लिखने वाले पर्यावरण प्रेमी और उप सरपंच शांतिलाल जी कुशवाहा से मिलवाते हैं। जून को विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में मनाया जाएगा और आज के इस बेतहाशा गर्मी के दौर को देखते हुए हम देख रहे हैं कि 48 से 50 और 52 डिग्री तक राजस्थान में पारा पहुंचा है। अनेक ऐसी खबरें हैं कि अति गर्मी के कारण पक्षी पेड़ों से नीचे गिर रहे हैं और यह निश्चित रूप से मानव जाति और प्राणियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरे का संकेत है। अत्यधिक गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के कारण आज दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ है। हम हर वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस तो मना लेते हैं, लेकिन 5 जून बीत जाने के बाद हम फिर हमारे वही पुराने दर्रे पे आ जाते हैं। पेड़ पौधों के प्रति जो जागरूकता हमारे जनमानस में होना चाहिए उसका बहुत ही अभाव है। सरकार भी अपने स्तर पर प्रयास करती है, करोड़ों पौधे लगाती है, लेकिन बाद में वो पौधे जनमानस की जागरूकता और उनकी देखभाल नहीं होने से वो पौधे सफल नहीं हो पाते हैं। आज के इस दौर में हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधों के अभाव में ग्लोबल वार्मिंग के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और बारिश में बारिश नहीं होती, सूखा पड़ता है और गर्मी में बारिश हो रही है। आंधी तूफान आ रहे हैं, बवंडर आ रहे हैं, ये सब प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है ये उसी के दुष्परिणाम हम आज यहाँ झेलने को मजबूर हैं। हमारे द्वारा 5 जून को जो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो पर्यावरण दिवस तभी सफल होगा जब हम पेड़ पौधों के प्रति अपनी जन जागरूकता को बढ़ाएंगे। इसी कड़ी में आज हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं नागझिरी के बड़गांव रोड पर। यहाँ पर ग्राम पंचायत नागझिरी द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत सैकड़ों की संख्या में यहाँ पौधे लगाए गए हैं, पौधे पेड़ बन चुके हैं। और आपको हम बताना चाहेंगे कि एक ऐसे शख्स से आपकी हम मुलाकात करवा रहे हैं डिजाइना न्यूज़ के दर्शकों से, जिनकी रुचि बचपन से ही पेड़ पौधों और पर्यावरण के प्रति रही है। आप से हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने पास ही के गांव मेयरघट्टी में वाटर शेड मिशन, जो पुराने समय में राजीव गांधी मिशन के नाम से था, वहां पर उन्होंने बड़ी संख्या में तालाबों का निर्माण कराया, वाटर संरचनाएँ बनाई और आज मेयरघट्टी क्षेत्र में वाटर लेवल कुओं का बहुत अच्छा है। और ऐसे वही शख्स हमारा सौभाग्य कि नागझिरी के वो उप सरपंच के पद पर आसीन है और लेकिन उनकी रुचि वही पौधारोपण के प्रति आज भी है और उन्हीं की निगरानी में यहाँ बड़गांव रोड पर प्लांटेशन हुआ है और ये आज यहाँ हरियाली हमें बड़ा सुकून दे रही है। हम ऐसे ही एक पर्यावरण प्रेमी शांतिलाल जी कुशवाहा जी से मिलवाएंगे आपको और जानते हैं शांतिलाल जी से कि वो उनकी रुचि पौधारोपण के प्रति कब से रही है और किस प्रकार से वे मेहनत करते हैं। ये तो मेरी 17-18 साल की आयु से मतलब मेरे को बहुत ही वृक्षारोपण का ग्राम अपने वन विभाग में मेड़गिरी से मैंने काम मेरा स्टार्ट किया था 10 रुपये रोज से। ये 1985 में मतलब मेड़गिरी में करता था ग्राम वन विभाग के कार्यों में। उसके बाद 96-97 में एक योजना आई राजीव गांधी जलग्रहण मिशन की ग्राम मेयरघट्टी में, वहाँ पर वाटर सेट का काम मेरे द्वारा किया गया जिसमें चेक डैम वगैरह बनाए, निस्तार तालाब बनाए, वाटर पॉन्ड बनवाए, 150 हेक्टेयर का प्लांटेशन भी लगवाया वहाँ पे। आज वो बड़े झाड़ों के पूरे प्लांटेशन में मतलब उपलब्धि तैयार है, वही भी मतलब जाके उसको प्लांटेशन को देख सकता है।
ग्राम मेयर का टीम है। इसी आधार पर ग्राम पंचायत नागिरी में आज उप सरपंच के पद पे मैं हूँ, तो यहाँ पर भी मेरे को मौका मिला कि प्लांटेशन लगाया जाए, तो सबकी रुचि यही थी कि यार शांतिलाल जी आप ही ये काम कर सकते हो। और 1700 से 1800 पौधे पहले शिफ्ट में लगवाए, उसके बाद डबल प्लांटेशन लिया, बोले अच्छा काम है तो डबल दिया इसी प्रोजेक्ट में, तो उसमें लगाए 1700-1800 पौधे, जिसमें बम्बू प्लांटेशन के नाम से ये प्लांटेशन माना जाता है, जिसमें वेराइटियाँ सागवान की भी है और नीम की भी है, शीशम की भी है, वो आज बड़े झाड़ बन चुके हैं। और कई जगहों पर ग्राम पंचायतों में प्लांटेशन लगाए, देखभाल कुछ समय करते रहे और उसके बाद में लापरवाही में वो प्लांटेशन खराब कर देते। गवर्नमेंट की राशि जितनी भी आती है वो ऐसे कोई काम में नहीं आती। यहाँ पर जितना भी काम हुआ है, कुआ खुदवाए निर्मल नीर, वो भी सक्सेस है, वो देख सकते हैं। जो भी है यहाँ पर काम मेरे द्वारा किया गया, मेरे ग्रामीण क्षेत्र के सभी शाम को टाइम घूमने फिरने आते हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि शांतिलाल जी आपने नर्सरी में कुछ वाकई में मेहनत की है। जो मेहनत मैं क्या बोलूं, सभी जन आके यहाँ मतलब आके मेरे को बोलते हैं कि यार तुम्हारी मेहनत कुछ है, मतलब बहुत अच्छा काम है आपका। बिल्कुल ये बात सत्य है कि शांतिलाल जी स्वयं यहाँ पर पौधों की निंदाई गुड़ाई के साथ साथ सिंचाई भी करते हैं। ये 4 बजे रात से यहाँ पर आ जाते हैं और स्वयं पौधों की सिंचाई करते हैं, निंदाई गुड़ाई करते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज ये पौधारोपण प्लांटेशन नागजीरी की शान बन चुका है बड़गांव रोड पर MPP के ग्रिड के सामने। अंत में मैं शांतिलाल जी से ये पूछना चाहूँगा कि सरकार भी अपने स्तर पर पौधारोपण करवाती है, बहुत प्रयास करती है, लेकिन ये पौधारोपण सफल क्यों नहीं हो पाता है? ऐसी क्या कमी रह जाती है कि पौधा वो पौधे पेड़ नहीं बन पाते? इसमें जो भी काम कराने वाला व्यक्ति रहता है उसमें स्वयं को बहुत बड़ा योगदान देना पड़ता है। निमाड़ की पल पल की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल डिजियाना न्यूज निमाड़ को सब्सक्राइब जरूर करें।